सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाइए इस घंटे को ताकि हमारी वीडियो आप घंटा भी मिस नहीं कर सके। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ एक न्यू नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक न्यू नंबर। उसके लिए आपको कोई आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी शॉप पर जाके आपको परचेस करना है, बस आपके ही फ़ोन में आपको एक नया नंबर मिल जाएगा। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको नया नंबर कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा और किस टाइप से मिलेगा और किस यूज़ के लिए मिलेगा दोस्तों। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस नंबर को कोई मिसयूज़ मत करना, ये ओनली ऑन बस थोड़े मजाक के लिए और थोड़े प्रैंक के लिए है बस, और उससे ज़्यादा इसका मिसयूज़ मत करना। मैं मिसयूज़ करने के लिए नहीं दे रहा हूँ नंबर ये, बट आप इससे अपने दोस्तों को डरा सकते हो, अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हो। और इस नंबर की शुरुआत होगी 313 से। इंडिया में दोस्तों कोई भी 313 से नंबर नहीं है, तो आप अगर किसी अपने फ्रेंड को, नॉन पर्सन को या फिर किसी भी फ्रेंड को आप इस नंबर से मैसेज अगर भेजोगे, तो वो 101% डर ही जाएगा कि ये किस नंबर से मैसेज आया है और किसने किया है। और आप इसी तरीके से आप उसके साथ थोड़ा सा छोटा सा प्रैंक कर सकते हो और डरा सकते हो। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको ब्लॉक कर देता है, तो आप इस नंबर से ही व्हाट्सएप बना करके अपने उस नंबर, अपने दोस्त को उसी नंबर को मैसेज कर सकते हो और उल्टा आप उसको थोड़ी बहुत बातें करके डरा सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको मिलेगा कि ये नंबर कहाँ से है और कैसे मिलेगा। और दोस्तों मेरा नाम है लोकेश ल्यूक और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब बाय शुभम एंड लोकेश। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करनी है। ये ऐप दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये ऐप ओपन करनी है। उसमें दोस्तों ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा और यहाँ पर आपको कोई भी ईमेल आईडी डाल देनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ lokeshluke@gmail.com। और पासवर्ड आप कोई भी पासवर्ड आप पिक कर सकते हो, जैसे कि मैं 1234QWER ये पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आप दोस्तों क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा और यहाँ पर एक आपको कैप्चा आएगा दोस्तों, उसको आप यहाँ पर पहले इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे टच करिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों वो बोल रहा है स्टोर फ्रंट, स्टोर का फ्रंट जो भी आपको दिखाई दे उसमें आप उस पर टच कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार कार्स आती है, हाउस आता है, रोड आती है, बोर्ड साइन बोर्ड आते हैं, तो आप दोस्तों अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसके बाद वेरीफाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों वेरीफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन शो होगी, उस पर आपको दोस्तों यहाँ पर 313 टाइप करना है। ये यूनाइटेड स्टेट का कोड है, जैसे कि हमारा है 9+91 और ये वहीं का ऐसा कोड है, तो ये है 313। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपको एक मिनट देगा, एक मिनट में आपको कोई भी एक नंबर चूज़ करना है इनमें से, जिससे भी आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस नंबर को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंपल सा भी है। उसके बाद आपको दोस्तों कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको मुश्किल से 10 सेकंड वेट करना है या 5 सेकंड, आपका यहाँ पर ये अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों अकाउंट बनने के बाद फिर आपको इस नंबर को यहाँ पर जाके, इधर पर जाके प्रोफाइल में जाके यहाँ पर आपको कॉपी करना है। जब आप वहाँ पर उसको टच करके रखोगे नंबर पे, तो दोस्तों वहाँ पर वो कॉपी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे कुछ है हमारे लिए, इंटरनेशनल कॉल $0.1। तो दोस्तों ये आपको यूज़ नहीं करने हैं बिल्कुल भी। अगर आप इसको ख़त्म कर दोगे तो आप अपने नंबर को खो दोगे, मतलब वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पर इसको छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास एक ऑलरेडी व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो और आपको एक दूसरा व्हाट्सएप भी चाहिए और उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हमने वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एक ही डिवाइस में दो अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप कैसे यूज़ करें। तो उसको उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एग्री करना है। एग्री कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर नोट नाउ करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमेशा आपको ज़्यादातर +91 मिलेगा, वहाँ पर उसको +91 को हटाकर खाली 1 करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको
वही जो नंबर हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वेरिफिकेशन के लिए दिखा रहा है, उसके बाद आपको ओके कर देना है बस। और दोस्तों यहाँ पर एक वन मिनट रुकना है, एक मिनट रुकोगे दोस्तों, आपको एक मिनट इसलिए रुकना है क्योंकि आपको जो कि वेरिफिकेशन कोड है वो आपको SMS के थ्रू नहीं मिलेगा, वो आपको कॉल के थ्रू मिलेगा। तो इसलिए हमारे को एक मिनट तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक मिनट वेट करोगे तभी आपके पास कॉल का ऑप्शन ओपन होएगा और आप उस पर टच करके आपको एक कॉल मिल जाएगा, जिससे कि आपको उस कॉल का वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा। और दोस्तों अगर उस वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको इस कॉल को टच करने के बाद आपको एक कॉल मिलेगा, उस कॉल को मिलने के बाद आपको उस ऐप पे जाना है, उस ऐप में जाने के बाद आपको वहाँ पर एक वॉइस मेल आएगा, उस वॉइस मेल को आपको टच करना है। दोस्तों मैं दिखाने ही वाला हूँ, यहाँ पर ये एक मिनट मांग रहा है, आपको एक कॉल मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे मिनट्स ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आपने सोच रहे हो कि अभी तो 27 सेकंड दिखा रहा था और एकदम से यहाँ पर इसके कॉल मी का ऑप्शन आ गया, वो मैंने वीडियो को आगे करने के लिए उसको थोड़ा काट दिया है और यहाँ से दोबारा वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉल पर टच करना है, जैसे आप दोस्तों यहाँ पर कॉल पर टच करोगे तो आपके पास एक कॉल आ जाएगा और वो कॉल आने वाला है मेरे पास। देखिए दोस्तों मेरे पास वो कॉल आ चुका है और आपको इस कॉल को पिक नहीं करना है, बस आपको इस कॉल को थोड़ी देर तक बजने देना है और आपको बजने देने के बाद दो मिनट तक बजने के बाद उसको कॉल को काट देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको उसी ऐप में जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक वॉइस मेल आ चुका है ऊपर, आपको बार बार बस नीचे की तरफ स्लाइड करना है, स्लाइड करने से रिफ्रेश होगा ये और आपको एकदम से आपको एक वॉइस मेल आ जाएगा, उस पर दोस्तों आपको टच करना है। वॉइस मेल पर टच करने के बाद दोस्तों उसको प्ले करना है और वो वेरिफिकेशन कोड बोलेगा, उसको सुनना है। देखिए दोस्तों सुनते हैं क्या बोला इसने। फाइव नाइन ज़ीरो फोर नाइन थ्री, और दोस्तों उसको उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर टाइप करना है 590413, सॉरी दोस्तों 493 था, 590493। यहाँ पर देखिए दोस्तों वेरीफाई होगा और देखिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट का व्हाट्सएप है तो हम यहाँ पर नाम भी कुछ उसी टाइप का डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ल्यूक डाल दिया। थोड़ी देर लेगा दोस्तों इंस्टॉलिंग होने में, इंस्टॉलिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सएप हमारे को बना हुआ आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के आपके पास कुछ मैसेज आने लग जाएंगे और जैसे ही ये मैसेज आ जाए इन मैसेज से डरिएगा नहीं, ये भी वही लोग हैं जो कि इस ऐप को यूज़ करके अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ प्रैंक बना रहे हैं। तो दोस्तों इन सबको आप बस एक बार ये मैसेज आएंगे और इन सबको आप ऑल सेलेक्ट करके या एक एक करके कैसे भी बस रिमूव कर दीजिएगा और उसके बाद आप अपने मैसेज दोस्तों को मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक मैसेज करके भी दिखाता हूँ कि अगर आपके आप किसी को मैसेज करोगे तो उसके पास कौन से नंबर से मैसेज जाएगा। जो दोस्तों मेरे पास पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप था मैं उसी व्हाट्सएप पे मैसेज करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, इस पे मैं मैसेज करके दिखाता हूँ। और दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पर मैं जैसे लिख के देखता हूँ, यू आर हैक्ड, इस टाइप का दोस्तों अगर मैसेज आपके दोस्त के पास जाएगा और ऐसे नंबर से जाएगा। देखिए दोस्तों किस नंबर से मेरे पास मैसेज आया है, ये दूसरे नंबर पर दोस्तों, इस नंबर से अगर किसी के पास मैसेज आएगा और ऐसा मैसेज आएगा कि यू आर हैक, तो दोस्तों 101% वो शॉक हो ही जाएगा कि किसी ने मेरा व्हाट्सएप लगता है असली में हैक कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप भी अपने दोस्तों से प्रैंक बना सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। दोस्तों मैं किसी भी इस वीडियो में इस ऐप के थ्रू किसी को भी नहीं कहूँगा कि इलीगल यूज़ करे, बस आप इसको ये मज़े के लिए यूज़ कर सकते हैं और मैं भी इससे बहुत मज़े कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपको कहीं भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तब भी हमारे को कमेंट में थैंक यू या कुछ भी आप अपनी तरफ से लिखिए, और बुरी लगी है तब भी दोस्तों आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों।